अभी का जो माहौल है वो बहुत ही ख़राब है दोस्तों। तो ऐसे में हम सभी को सलाह दी जा रही है कि घर पे रहे, घर से बाहर निकले तो मास्क लगाए और हाथ को सैनिटाइज़ करें। साथ ही साथ घर में बनाया हुआ काढ़ा हम सभी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इस काढ़े को आप नियमित रूप से लें। तो चलिए फिर काढ़ा बनाने की रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कप काढ़ा बनाने वाली हूँ। एक कप काढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप पानी ले लिया है दोस्तों। तो घर का कोई भी कप लें, उससे माप लेके आपको इस पानी को गर्म कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पे मैं 1 इंच अदरक अच्छे से कूट ली हूँ, या फिर आप कीस सकते हैं, उसको डाल दिया है मैंने। इसके बाद यहाँ पे ढेर सारा तुलसी पत्ता डालना है दोस्तों। तुलसी पत्ता बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। अदरक हमारे गले के खराश को, सर्दी को, खांसी को, कफ को, सबको जड़ से ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम यहाँ पे 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दालचीनी, 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़े मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें जाएगा 3 से 4 काली मिर्च, ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारे गले के लिए। इसके बाद 3 से 4 लौंग। और दोस्तों जब आप लौंग डालेंगे ना, तो लौंग के ऊपर का जो गोल एक फूल रहता है, उसी लौंग को यूज़ करें, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो बिना फूल वाला लौंग आप ना लें। इसको अच्छे से हमें खौला लेना है दोस्तों। इसको तब तक खौलाना है जब तक ये 1 कप ना हो जाए, मीन्स 2 कप से 1 कप ना हो जाए। इसके बाद सबसे मेन इन्ग्रीडियंट यहाँ जाएगा 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम देसी घी। जी हाँ दोस्तों, देसी घी हमारे काढ़े का जो गुण है ना, 100% बढ़ा देगा, बहुत ही फ़ायदा देगा। और साथ ही साथ हमने जो गरम मसाला इसमें डाला है ना, उसके इफ़ेक्ट को कम कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। गर्मी के मौसम में गरम मसाला वैसे भी नुकसान करता है, तो अगर आप देसी घी इसमें डाल देंगे तो इसका जो गुण है ना, और बढ़ जाएगा। इसके बाद चुटकी भर इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है। आप सभी जानते हैं हल्दी हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। इन सभी को मिला के हमें 1 से 2 मिनट और इसे गर्म कर लेना है। और हमारा काढ़ा अच्छे से पक चुका है दोस्तों, और गर्मा गर्म ही हमें इसे पीना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, छलनी से छान के इस काढ़े को हमें नियमित रूप से लेना है दोस्तों। कोशिश करें इसे सुबह शाम आप ले, स्टीम जरूर ले, भाप लेना तो और ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड एक और मैं वीडियो आने वाले समय में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 100% गुण वाला काढ़ा हमारा तैयार है, जो आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा दोस्तों। आई होप आज के हमारे काढ़े की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस काढ़े को अगर आप नियमित रूप से लेंगे ना, तो दोस्तों सर्दी, खांसी, गले का खराश, बुखार, हड्डी, जोड़ों में दर्द, सभी चीज़ को ये ख़त्म कर देगा और कोरोना वायरस को बहुत दूर रखेगा। तो इस काढ़े को हम घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बहुत ही आसान सी और इफ़ेक्टिव काढ़े की रेसिपी आज हमने आपके साथ शेयर की। पसंद आई तो दोस्तों अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ इसे शेयर करें और उन्हें भी फ़ायदा पहुंचाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे सुरक्षित।